नमस्कार, मैं हूँ मारिया अजीज और आप देख रहे हैं मेरे साथ पीपीटी न्यूज। जौनपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि 3 महीने के बाद पार्टी की कमान सपा प्रधान कैलाश सिंह यादव को सौंप देंगे। ऐसे में उन्हें अब अपना वादा पूरा करना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति के सवाल पर उन्होंने बस इतना कहा कि मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पूरे पार्टी को साथ देना चला जाएगा। कितना आप उसको मानते हैं, क्या गड़बड़ी है? चलिए, उस पर तो जांच हो रही है। आप क्या? अब जांच हो रही है, जांच में आ जाएगा सामने। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार की सरकार लोग पहल करके नहीं कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो था वही इसमें भी हो रहा है? देखिए, हम अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे। 6 महीने तक अभी 6 महीने तक कोई कमेंट नहीं करेंगे। 6 महीने का समय दिया है, 6 महीने के बाद। बीजेपी ने कहा था कि किसानों का सारा कर्जा माफ करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 लाख दिया। देखिए, सबसे पहले तो हम जो सीमा पर आतंकवादियों ने कुपवाड़ा और छत्तीसगढ़ में जो हमला किया और हमारे बहादुर सेना के नौजवान शहीद हुए हैं, उनको शोक श्रद्धांजलि देते हैं। और आतंकवाद खत्म होना चाहिए। हमेशा नेताजी आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा खिलाफ रही आतंकवाद के। और अभी तक आतंकवाद से हमारे नौजवान लगातार शहीद हो रहे हैं, तो उस पर हम दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं। और आतंकवाद खत्म हो जाना चाहिए, पर सभी दलों को मजबूती के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और आतंकवाद खत्म होना चाहिए।